देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती है, उसको बदलना पड़ेगा। वो नहीं बदलेगा वो समाज के लाएगा पिछड़ा वर्ग। आज पिछड़ा वर्ग किसको कहते हैं अपन? जो ज्ञान में पिछड़ा, जो खान पान में पिछड़ा, जो रहन सहन में पिछड़ा, जो बोलचाल में पिछड़ा, जो कपड़ा में पिछड़ा। आज मैं देखा हूँ गांव खड़े में आप जाओगे तो कई लोग धोती को चट्टी बना के घूम रिया। मैंने देखा कितनी ठंड पड़े और मैं पटेल बाहर भेस का पीछे चल रहा तो ही चट्टी बना के इसको नीचे कर लेना तो नहीं मारे आदत पड़ गई। अरे गजब की आदत पड़ी सारे। मैंने वो सारे लगा, मैं इधर राजगढ़ तरफ जाता हूँ तो एक दूध बेचने वाला है, मैं किसी घर बैठा था। मैंने कहा जी तुम पजामा पहन लो ना, जवान छोरा था, धोती पहनता था ऐसे, अरे पजामा पहन लो ना। क्या गुरु जी वो अनपढ़ है, कहीं को पूछ ले वो कहाँ तक पढ़े लिखे तो कहीं। तो मैंने कहा भैया पजामा पहनने से अनपढ़ पढ़े लिखा क्या मतलब है भाई? पजामा तो थोड़ी पता होगा, तू एमए पास है बीए पास, पजामा थोड़ी पूछेगा देर से। आज भी देखो बहुत सारे मूंछ भी ऐसे रखते हैं कि वो चाय पे तो आधी की आधी मूंछ, आधी चाय तो मूंछ भी जाए। अभी उसको कतर ले थोड़ा सा, व्यवस्थित कर लेना सिस्टम में जाए। तो हमें कपड़ा भी पहनना चाहिए तो व्यवस्थित रूप से पहनना चाहिए, कपड़े का बड़ा महत्व है। मैं कहता हूं कई जगह प्रवचन में आप खुशबू लगाइए, अच्छे कपड़े पहनिए, धाइए धोइए। अरे गुरु जी खुशबू लगाओ तो डाकड़ लग जा, खुशबू लगाओ ने तो चुड़ैल लग जा, भूत लग जा। तो भूत क्या होता है? मैं बचपन से भूत ढूंढ रहा हूं, हमारे नीरज राठौर जी भी ढूंढ रहा है, हम सब भूत ढूंढ रहा है, अभी तक भूत नहीं मिला। मैं आपको भूत भी बताऊंगा, चलो अभी मैं एक आखिरी में आप देख रहे हैं, मैं भूत बताता हूं। दिख रहा पानी? चलिए मैं आपको भूत बताऊंगा, भूत आ जाएगा यहीं पे, देखते आता है कि नहीं आता। मैं सारी दुनिया के डाकन चुड़ैल भूत पलीत तंत्र मंत्र करने वाले काचा मसाण वाले पाका मसाण वाले भारत वाले अफगानिस्तान वाले इंग्लैंड अमेरिका जर्मनी जापान के जो गया जी नहीं गया जो रिटर्न में रोड पे मरने वाले जहाँ भी मरने वाले अधबीच में मरने वाले हो सके अधबीच में जिनकी गति नहीं हुई नहीं जिनको कर्मकांड नहीं हो भी दुख दे। अच्छा भी दुख किसको देते? घर वालों को देते। आप कहीं यात्रा कराने जाओगे देवी देवता कहेंगे हमारा घर कोई गड़बड़ है। भाई मेरे घर का मेरे को क्यों दुख देगा? ये तो पड़ोसी को दे, गाँव वालों ने सताया तो उनको दे, ये तो हमारे घर कोई दिक्कत दे रही है। तो मैं पूरी दुनिया के डाकन चुड़ैल भूत पलीत का आह्वान करता हूँ कि मेरी इस बॉटल का पानी गायब कर दे, देखते होता कि नहीं होता। वास्तव में भूत क्या होता है सज्जनों, मैं आपको बताता हूँ। भूत हमारे मन का भय होता है और भूत अधिकतर हमें कब दिखता है? रात में दिखता, अंधेरे में दिखता, हम अकेले होते तब दिखता। मान लो एक आदमी तलेड़ी में रहता है, यहां से उसके पास कोई मोटरसाइकिल नहीं है, पैदल वो जा रहा है, पैदल जा रहा और रात पड़ गई, यहां से 3 किलोमीटर जाना और काली रात, ओके भूत मिले हो। अब वो अजबूत आ रहे हो, सामने भूत आ रहे हो, भूत आ रहे हो, वो डर रहे हो, कांप रहे हो, कांप रहे हो। पास में गया देखा उसने कि बिना गर्दन का भूत आ रहा है, 4 पांव से चल रहा है। पास में गया तो गद्दो आ रही हो, ऐसा कई जगह हुआ। अब इसके बाद क्या होता है, भूत कैसे होता है? एक बार क्या हुआ, गंगा जी के किनारे पहले बरसात होती थी तो मुर्दों को जला नहीं सकते थे, तो मुर्दों को काय में डाल देते थे, गंगा जी में डाल देते थे। तो गंगा जी में डाल देते थे तो एक आदमी था वो भूत को नहीं मानता था एक गांव में। बंदे का तू भूत के नहीं माने? हाँ साहब भूत नहीं मान, कि तू यानी अगर थार में हिम्मत है तो ये मुर्दा जो तैर गया नहीं इनको कई का हाथ में जाकर के और तागो बांध दिया। तो उसने तागा बांधने का, यार ही बड़ी बात है यार। जैसे ही उसने तागा बांधने के लिए हाथ खड़ा करा और एक भूत टाइप जो आदमी था वो वहां से निकला, ले दादा मारा हाथ में भी तागो बांध दे रहे। उन्होंने कहा बाप रे बाप आज तो जिंदो भूत आ गए रे, अरे मरे रे मरे रे। दो तीन संभाल के जो भागे हूँ, 2-3 एक आध किलोमीटर गांव तो वो आयो और वहां पड़ गए हूँ और वो तो फिर हाँ आज तक भूत नहीं देखो दादा और आज दिख गयो और उसका प्राण पखेड़ू उड़ गया, हार्ट अटैक से मर गया। सज्जनों उसने बताने का कोशिश करा कि मरे मती घबराए मती भूतनी थो जानिया, हमने एक आदमी के मुर्दा के पीछे खड़ो कर दिया तो ताकि वो थारे डराएगो और तू डर के। ऐसे अमेरिका में कई आदमी देखा डिस्कवरी चैनल पर भूत का बताते हैं, तो अमेरिका में जो बंगले होते हैं वो अधिकतर फार्म हाउस होते हैं, वहां लोग एडजस्टेड नहीं रहते, कई दूर दूर रहते हैं, तो वहां भूत दिखता है। भूत किसको दिखता है? अकेली औरत है, अकेला आदमी है, अपने को भी भूत दिखेगा। अगर अपन अपने घर में अकेले हैं, कोई भी नहीं, बहुत बड़ा बंगला है अपना, बरसात का समय है, कोई भी घर में नहीं,
माँ बाप कहीं गया शादी ब्याह सम्मेलन में और आंधी तूफान आया और पानी गिर रहा है, बिजली चल रही है और खिड़की खुल रही है, वो खिड़की कड़ेगी और अपना हाथ पांव कांप लगा, अरे बाप रे कल दादी आ जाओ काम है तब तो हाथ तो खजाब हो, अम्मा सुनम अलग है, अम्मा सुनम को ज्यादा डर अपना हाथ में, भारत में बहुत सारे डरते हैं अम्मा सुनम, आज अम्मा से ये नहीं कहूंगा, आज पूनम में ये नहीं करूंगा, क्या है ये, हम अपने घर में डर रहे हैं। अरे इंग्लैंड अमेरिका जर्मनी जापान रूस फ्रांस से पूरी दुनिया से अंग्रेज गोरागट पूरी दुनिया में चले गए, उनको डाकर ने नहीं सताया, उनको भूत ने नहीं सताया, उनको 33 करोड़ मतलब ये साढ़े साथी नहीं लगा, उसको शनि नहीं लगा, उसको मंगल नहीं लगा, और अपन मंगल के पूजा और वो अपनी जिंदगी में दंगल करे, हेलो अपन शनि महाराज के तेल ना और वो अपने मेल दे, अच्छा हिंदू शनि महाराज के पूजे वो हिंदू के लगे, मोबाइल फोन होता रावण के पास मोबाइल फोन, राम जी के पास मोबाइल फोन, तो चार दिशा में बांद्रा भेजने की जरूरत नहीं होती, अगर सीता माता का मोबाइल फोन फेंक भी देते तो फिर जटा की सीम से लगाती और कहती हेलो चार दिशा में कहीं हेलो डायरेक्ट दक्षिण भाजा तपा बेटे जुड़ो, कहने का भाव सज्जनों टेक्नोलॉजी का बड़ा हमारे जीवन पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा है, तो लिखा है लोयो उड़ रियो बादला में धरती नीचे रेल, आज लोहा उड़ रहा हवाई जहाज के रूप में, अब बहुत सारे कहते साहब रामायण काल में भी तो था पुष्प विमान, लेकिन सज्जनों अगर वास्तव में उस जमाने में पुष्प विमान होता उसकी फैक्ट्री बना लेते और पूरी दुनिया में फैक्ट्री बना करके पुष्प विमान को अगर यहां से फैलाते तो पूरी दुनिया में उस जमाने की टेक्नोलॉजी काम आती, लेकिन काल्पनिक चीजों को और यथार्थ चीजों में अंतर होता है, हमें यह समझना पड़ेगा। तो लोयो उड़ रियो बादला में धरती नीचे रेल, गांव गांव में बिजली हो गई खेता में ट्यूबवेल, ए दुनिया भर को काम करे कंप्यूटर आई गयो रे, सतयुग आई गयो रे डोंडा सतयुग आई गयो रे, अम्मावस की रात में भी उजाड़ो हो गयो रे, अम्मावस की रात में भी उजाड़ो हो गयो रे। आज सज्जनों बहुत सारे लोग कहते साहब अभी 10वीं 12वीं पढ़ा ली छोरी के और अभी सगाई करना और 2-4 साल बाद मांडो करना, पर जैसे ही लड़की की सगाई होती है छोरी कवरेज एरिया में आ जाए तो बस तू तो मिस कॉल दे दीजिए बाकी तो संभाल लो, गर्लफ्रेंड संभाल ले को ढूंढा है 10वीं में 10 साल हो गया तारी किताब तो संभाल ले। तो सज्जनों जमाना बदल गया है, आपको लड़के लड़की जब अपने पैर पे खड़े हो जाए तब जाकर उनको मांडा करना है, इससे पहले उनका मांडा करने की सगाई करने की जरूरत नहीं, बस अब वो अंतर जाति विवाह कर लेगी किसी जाति के लड़के से शादी कर लेगी तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इंसान से शादी करेगी जानवर से थोड़ी करेगी, अपन उसको बारात बुला करके घर से विदा कर दो, ठीक है भैया तुम्हारा लड़का जवान मेरी लड़की जवान, तुम्हारा लड़का पढ़ा लिखा मेरा लड़का पढ़ा लिखा दोनों साथ में रहना चाहते हैं तो समाज उसको मान्यता देना जैसे कानून देता है। तो लिखा सज्जनों लोयो उड़ रियो बादला में धरती नीचे रेल, गांव गांव में बिजली हो गई खेता में ट्यूबवेल, ए दुनिया भर को काम करे कंप्यूटर आई गयो रे, सतयुग आई गयो रे डोंडा सतयुग आई गयो रे, अम्मावस की रात में भी उजाड़ो हो गयो रे, बोलियो चेचक नारू भाग्यो भागी बड़ी बीमारी, लोकतंत्र में जनता राजा मिट गई सब लाचारी, ए छोरा छोरी स्कूल बन रिया कॉलेज आई गयो रे, सतयुग आई गयो रे डोंडा सतयुग आई गयो रे, अम्मावस की रात में भी उजाड़ो हो गयो रे, बोले भारत माता की। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.